डीएमएससी स्टूडेंट, बायो क्वेश्चन आप इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन टुडेज लेक्चर ऑन रिएक्शंस ऑफ क्रैब साइकिल की। क्रैब साइकिल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, कितने एनएटीपीएस जनरेट होते हैं, कौन सा एंजाइम उसमें काम में आता है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार कहते हैं का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो इसके ऊपर था क्रैब साइकिल पाथवे के ऊपर, यानी उसकी जो कैस्केड रिएक्शन थी उनके ऊपर, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछला लेक्चर आपका किसके ऊपर था, क्रैब साइकिल पे, कि क्रैब साइकिल के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है। तो क्रैब साइकिल से पहले आपने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस चलता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होते हैं, पाइरूवेट के अंदर। और फिर क्या है, अपन ने एक मीडिएटर रिएक्शन देखी थी, ट्रांसएसियल रिएक्शन, जिसमें क्या है जो ऊपर की तरफ दिखा रखी है इसमें, कि पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। और एसिटाइल कोएंजाइम में फिर किसमें आ जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और क्रैब साइकिल किसके अंदर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और क्रैब साइकिल के तीन नाम है आपको पता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल। तो इसको शुरू से देखिए कि पाइरूवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांजिशियल रिएक्शन में, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, यानी पाइरूवेट के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड थे, तीन, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, एक CO2 क्या है बाहर निकल गया और एक NADH2 फॉर्म हो गया, यानी तीन ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए ट्रांजिशियल रिएक्शन में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ऑक्सैलो एसिटेट दोनों कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, सिट्रेट। एसिटाइल कोएंजाइम ए और माइटोकॉन्ड्रियल का सब्सटेंस या बायो मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसिटेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो सिट्रेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, सिक्स कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि दो कार्बन तो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर हो गए और चार कार्बन किसके अंदर हो गए, ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर। और चार और दो टोटल मिलके कितने हो गए सिट्रेट के अंदर, छह कार्बन के कंपाउंड हो गए। फिर सिट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, एकोनिटेट। और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल जाता है। फिर सिस एकोनिटेट किसमें कन्वर्ट होता है, आगे डी आइसोसिट्रेट में या आइसोसिट्रिक एसिड में। एंजाइम कौन सा काम में आता है, एकोनिटेट। और मॉलिक्यूल किसका ऐड हो रहा है इसमें, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, वापिस ऐड हो जाता है। फिर डी आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर, या फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी बोलते हैं। इसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इस रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका बनता है, NADH2 का, यानी तीन ATP यहाँ पे फॉर्म होती है। तो क्रैब साइकिल के अंदर फर्स्ट एनर्जी फॉर्म कहाँ पे होती है, फर्स्ट एनर्जी फॉर्म जो डी आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तब क्या है पहला एनर्जी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। सिट्रेट और डी आइसोसिट्रेट तक क्या है कि तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फिर डी आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। एंजाइम काम में आया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, एक NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बाहर निकल गई। डी आइसोसिट्रेट के अंदर तो कितने कार्बन के कंपाउंड थे, है, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड हो गए, जब एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो पांच कार्बन के कंपाउंड हो गए। फिर नीचे अल्फा कीटो ग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट होता है, आगे सक्सिनाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी क्या है, एक NAD किसमें कन्वर्ट होता है, NADH2 में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो दूसरे एनर्जी के मॉलिक्यूल किस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, कि जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एक NADH2 का मॉलिक्यूल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर निकलती है। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर सक्सिनाइल को एंजाइम में किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सिनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? एंजाइम काम में आता है सक्सिनाइल को एंजाइम में सिंथेज, जिसके अंदर एक जीटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। फिर सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमरेट के अंदर, जहां पे एक एसिडीएच2 बनता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमरेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, और एक एसिडीएच2 का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ये एसिडीएच2 से दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट, फिर फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट होता है? मैलेट के अंदर, यानी फ्यूमेरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैलेट के अंदर। एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है इस रिएक्शन में, और एंजाइम कौन सा काम में आता है? फ्यूमरेट। फिर मैलेट किसमें कन्वर्ट होता है आगे? वापिस ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। एनर्जी कितनी फॉर्म होती है यहाँ पे? एक NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इसके अंदर आप रिएक्शन में देखा कि ऑक्सैलो एसिटेट से ही अपन ने रिएक्शन शुरू की थी, और ऑक्सैलो एसिटेट ही क्या है? क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट है, जो आगे फिर वापस रिसाइकिल कर लिया जाता है। एक क्रेब्स साइकिल के अंदर ATP कितने जनरेट होते हैं? टोटल 12 ATP। 3 ATP तो कहां पे बने? कि डीआइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है, वहां पे एक NADH2 बनता है। फिर दूसरे 3 ATP कहां पे बने? कि अल्फा कीटोग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम में, जिसके अंदर एक NADH2 फॉर्म होता है। टोटल कितने ATP हो गए? 6। और दूसरा तीसरा NADH2 का मॉलिक्यूल कहां बना? कि मैलेट किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर, जहां पे क्या बनता है? एक NADH2। तो ATP कितने बन गए? टोटल 9 ATP। और फिर क्या है? एक GTP किसमें कन्वर्ट हो गया? GTP के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुआ? सक्सिनेट में, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो टोटल कितने ATP हो गए? 10। और फिर सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्यूमरेट के अंदर, जहां पे एक ऐसे DH2 का मॉलिक्यूल बना। तो एक क्रेब्स साइकिल से टोटल कितने ATP के मॉलिक्यूल जनरेट हुए? 12। नेक्स्ट क्या है? वही रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल की, जिसके अंदर क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसके अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। यह है ट्रांजिशियल रिएक्शन, यानी क्रेब्स साइकिल को और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाली रिएक्शन। फिर एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटेट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सिट्रेट के अंदर, और सिट्रेट सिंथेज एंजाइम काम में आ रहा है, जिसके अंदर क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है? सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिस एकोनिटेट के अंदर, एकोनिटेज एंजाइम काम में आ रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। फिर सिस एकोनिटेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डीआईसो सिट्रेट के अंदर, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, एकोनिटेज एंजाइम काम में आ रहा है। फिर यहां से आगे क्या है कि एनर्जी के मॉलिक्यूल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें डीआईसो सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर, जिसके अंदर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। एक NAD किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH2 में, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल कितने ATP जनरेट करता है? 3 ATP। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, और दूसरा NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट होता है आगे स्टेप में? सक्सिनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, यानी एक GTP किसमें कन्वर्ट हो रही है? GTP के अंदर, एक ATP यहाँ पे जनरेट हो जाती है। फिर सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होता है आगे? फ्यूमरेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसके अंदर कितने ATP जनरेट होती है? 2 ATP, एक FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। फिर फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट होता है आगे? मैलेट के अंदर, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है? फ्यूमरेट, और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। और फिर मैलेट किसमें कन्वर्ट होता है आगे? ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर, और मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर तीन तो NADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं,
एक FADS2 का मॉलिक्यूल बनता है और एक एक GTP का मॉलिक्यूल बनता है, GTP का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ऑफ टर्न ऑफ TCA साइकिल, यानी कौन से एनर्जी के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल दिखाया गया है, 3 NADH2 के मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला NADH किसमें बन रहा है, आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम में आता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। दूसरा क्या है, दूसरा NADH2 कहाँ पे बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर, जहां पे एंजाइम कौन सा काम में आता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और तीसरा NADH2 किसमें बन रहा है, लास्ट स्टेप में, जिसमें मेलेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटेट में, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, मेलेट डीहाइड्रोजिनेज। एक मॉलिक्यूल फिर किसका बनता है, FADH2 का, जिसके अंदर क्या है, सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट के अंदर, जहां पे क्या है, एक FADH2 का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। एंजाइम कौन से काम में आता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और एक क्या बन रही है, GTP। GTP कहां पे बन रही है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनेट में। और एंजाइम क्या काम में आता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेस। तो टोटल कितने ATP जनरेट हुई इसमें, 12 ATP, क्योंकि 3 NADH2 के मॉलिक्यूल बने, तो 3 NADH2 से कितने ATP बन गई, 9 ATP। एक FADH2 का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, जिससे कितने ATP बनी, 2 ATP। और एक क्या बन गया, GTP का मॉलिक्यूल। टोटल कितने ATP बनते हैं क्रैब साइकिल से, 12 ATP। नेक्स्ट वही एनर्जेटिक्स है, एनर्जेटिक्स ऑफ TCA। तो नंबर ऑफ ATP जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 3 NADH2, कितने ATP, 9 ATP। नंबर ऑफ ATP जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2, 2 ATP। और एक क्या है, नंबर ऑफ ATP जनरेटेड फ्रॉम GTP, और GTP से कितने ATP बन रहे हैं, 1 ATP। टोटल कितने ATP बने, 12 ATP, एक क्रैब साइकिल से, यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बने थे, 2 बने थे। तो 1 से 12, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से कितने ATP के मॉलिक्यूल जनरेट हुए, टोटल 24 मॉलिक्यूल, यानी 24 ATP क्रैब साइकिल से क्या है, जनरेट होती हैं। तो नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ क्रैब साइकिल, यानी पिछले लेक्चर में अपन ने जो स्टेप पढ़े थे उनकी थियोरी की, उनमें क्या क्या कैसे चेंजेस होता है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर आपने देखा था, आपको याद है, तो ऑक्सैलो एसिटेट प्लस में क्रैब एसिटाइल कोएंजाइम में और एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलके किसमें कन्वर्ट हुए थे, सिट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया था, यहाँ पे सिट्रेट कोसिंथेसिस, और एक कोएंजाइम में क्या है, बाहर निकल गया था, वही है। तो शुरू से देखिए, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है, इन द स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रैब साइकिल द एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइंड विद ऑक्सैलो एसिटेट, यानी क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर। और ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, 2 फॉर्म, यानी क्या बनाते हैं, दोनों कंबाइंड होकर एक दूसरे के साथ सिट्रेट, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। कोएंजाइम ए इज रिलीज, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द सिट्रेट सिंथेसिस। और ये जो रिएक्शन है, यानी ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम प्लस वाटर का मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रेट। ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, कैटलाइज की जाती है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, स्टेप टू यानी दूसरा स्टेप, जिसके अंदर सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ था, सिस एकोनिटेट में, और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकला था, यानी H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला था। और एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, सिट्रेट जब सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है तो एकोनिटेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट तो स्टेप, सेकंड में रिएक्शन, जिसमें सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिस एकोनिटेट में, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल रहा है, और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है इसमें, एकोनिटेज। इन द सेकंड स्टेज सिट्रिक एसिड इज कन्वर्ट, सिट्रिक एसिड यानी सिट्रेट, एक ही बात है, तो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट इज कन्वर्टेड इंटू सिस एकोनिटिक एसिड या सिस एकोनिटेट, यानी सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर सिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बाय द एक्शन ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, यानी कौन से एंजाइम के द्वारा ये रिएक्शन स्टिमुलेट की जाती है,
एक्वालिटेज एंजाइम के द्वारा। तो शुरू से देखिए, इन द सेकेंड स्टेप सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एक्वालिटिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एक्वालिटेज एंजाइम। यानी स्टेप सेकेंड के अंदर जो आपने सिट्रेट बनाया था, किससे? ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल को एंजाइमों को मिलाकर जो सिट्रेट बनाया था फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में वो सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिस एक्वालिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम कौन सा कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को? एक्वालिटेज एंजाइम कैटलाइज करता है। नेक्स्ट है स्टेप थ्री, जिसके अंदर क्या है कि सिस एक्वालिटेट आपने क्या स्टेप टू में बनाया था, तो स्टेप थ्री में क्या होता है कि सिस एक्वालिटेट और एक वाटर का मोलिक्यूल बनके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आइसोसिट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? एक्वालिटेज। देखिए इस रिएक्शन में पहले तो क्या है, रिएक्शन स्टेप थर्ड में जिसमें सिस एक्वालिटेट प्लस H2O का मोलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? आइसोसिट्रेट। एंजाइम क्या काम में आता है? एक्वालिटेज। नेक्स्ट, इन द थर्ड सिस एक्वालिटेट इज कन्वर्टेड इन आइसोसिट्रेट बाय द एक्शन ऑफ एक्वालिटेज एंजाइम। यानी स्टेप थर्ड के अंदर सिस एक्वालिटेट प्लस वाटर का मोलिक्यूल मिलके किसमें कन्वर्ट होते हैं? आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं या बदल जाते हैं। और एंजाइम कौन सा काम में आता है जिसके द्वारा ये रिएक्शन स्टिमुलेट होती है? एक्वालिटेज एंजाइम। फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सैलो एसिटेट प्लस में एसिटाइल को एंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुए? सिट्रेट के अंदर। सेकेंड स्टेप में सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ? सिस एक्वालिटेट के अंदर। और थर्ड स्टेप में सिस एक्वालिटेट किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर आइसोसिट्रेट के अंदर। नेक्स्ट क्या है? स्टेप फोर, यानी चौथा चरण किसका? क्रेब्स साइकिल का। तो स्टेप फोर के अंदर क्या होता है कि आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर। और साथ में क्या फॉर्म करता है? प्लस NADH2 और कार्बन डाई ऑक्साइड का मोलिक्यूल बाहर रिलीज कर देता है रिएक्शन से। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है इस रिएक्शन में? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। और इस रिएक्शन के अंदर एक NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, यानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। तो रिएक्शन देखिए कि आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, प्लस में NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जा रही है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट, इन द फोर्थ स्टेप आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। यानी चौथे स्टेप के अंदर आइसोसिट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसके अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड है? 5 कार्बन के। और आइसोसिट्रेट के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड होते हैं? 6, बाय एक्शन ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये जो रिएक्शन है वो कौन से एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस रिएक्शन में काम में आता है। नेक्स्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज फॉर्म। और इस रिएक्शन में क्या है, एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्म हो जाता है? NADH2 का। यानी 3 ATP जनरेट होते हैं। और फर्स्ट एनर्जेटिक स्टेप है जिसमें पहली बार एनर्जी स्टिमुलेट होती है। क्रेब्स साइकिल के अंदर स्टेप फर्स्ट से देखें तो अपन सबसे पहले तो ऑक्सैलो एसिटेट प्लस में एसिटाइल को एंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुए? सिट्रेट के अंदर, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ आगे? सिस एक्वालिटेज में, ठीक है, सिस एक्वालिटेट में, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आया था आपका? एक्वालिटेज। फिर सिस एक्वालिटेट किसमें कन्वर्ट हो गया? आइसो सिट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आया आपका? एक्वालिटेज। और स्टेप फोर में क्या है, आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है आपका? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और पहला एनर्जी का मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, NADH2। नेक्स्ट क्या है, स्टेप फाइव, यानी पांचवा चरण। तो पांचवें चरण में क्या है, जो चौथे स्टेप में आपने बनाया था अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू NADH का मॉलिक्यूल काम में आता है, क्योंकि क्या है, NADH2 बनता है, एक कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है इस रिएक्शन में, काम में आता है। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A के अंदर। और एक NADH2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इस रिएक्शन से।
और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है रिएक्शन से। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, यानी स्टेप फाइव में अल्फा कीटो ग्लूटरेट किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन सा एंजाइम करता है? अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, जिसके इस रिएक्शन में एक तो एनएडीएच2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है यानी बनता है, और एक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, इन दिस स्टेप अल्फा कीटो ग्लूटरेट यानी पांच कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इस स्टेप के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरेट किसमें चला जाता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर चला जाता है और क्या बनाता है? टू फॉर्म यानी क्या बनाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जिसके अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट है? चार कार्बन के कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन का कंपाउंड क्या है पिछले स्टेप में रिमूव हुआ तो, और एक स्टेप में फाइव में रिमूव हो गया। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन इज कैटलाइज बाय अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, कैटलाइज की जाती है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड एनएडी प्लस इज कन्वर्टेड इनटू एनएडीएच। तो शुरू से देखिए, यानी एक मॉलिक्यूल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या इस मॉलिक्यूल में रिलीज हो गया और एक एनएडीएच टू फॉर्म हो गया, यानी तीन एटीपी के मॉलिक्यूल इसमें जनरेट हुए, और तीन पिछले वाले में टोटल एटीपी कितनी बन गई? छह एटीपी अपने पास। तो शुरू से देखिए, क्रैब साइकिल में पहले स्टेप में क्या हुआ था कि ऑक्सैलो एसीटेट प्लस में क्या है एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुए? सिट्रेट के अंदर एंजाइम काम में है आपके अंदर सिट्रेट सिंथेज। फिर सिट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है? सिस एकोनिटेज के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? एकोनिटेज। फिर सिस एकोनिटेज किसमें कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रेट के अंदर स्टेप फोर में, ठीक है सॉरी स्टेप थ्री में। आइसोसिट्रेट में एंजाइम कौन सा काम में आता है? एकोनिटेज। और फिर क्या है कि स्टेप फोर के अंदर क्या है अल्फा आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। और स्टेप फाइव के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है यहाँ पे? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस रिएक्शन में क्या है अल्फा कीटो ग्लूटरेट किस रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। और एक एनएडीएच2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है रिएक्शन से, यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्या है स्टेप सिक्स। तो स्टेप सिक्स के अंदर क्या होता है कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम में आपने स्टेप फाइव में बनाया था, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सक्सिनेट के अंदर, यानी सक्सिनिक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन देखिए ऊपर कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में प्लस में जीडीपी यानी ग्रेनिल डाइफॉस्फेट प्लस में फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सक्सिनेट के अंदर। प्लस में क्या है कोएंजाइम एक इस रिएक्शन से बाहर निकल जाता है और एक जीटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है यानी बन जाता है। और इस रिएक्शन में एंजाइम कौन सा काम में आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। तो स्टेप सिक्स में क्या होता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सक्सिनेट के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। नेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, यानी इस चरण में इन दिस स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड टू, यानी किसमें परिवर्तित होता है? सक्सिनेट के अंदर। बाय द एंजाइम यानी कौन से एंजाइम के द्वारा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज के द्वारा। नेक्स्ट, दिस इज कपल्ड विद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीडीपी टू जीटीपी, यानी इस रिएक्शन के अंदर क्या है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कपल होता है किसके साथ, यानी जुड़ता है किसके साथ? जीडीपी के साथ, और क्या बना लेता है जीटीपी का मॉलिक्यूल, और जीटीपी के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिलते हैं अपने को? एक एटीपी। तो अभी तक अपन ने क्या देखा स्टेप सिक्स। स्टेप सिक्स क्या देखा कि शुरू से स्टेप से स्टेप सिक्स में क्या कन्वर्जन हुआ? स्टेप फर्स्ट में तो क्या कन्वर्जन हुआ कि ऑक्सैलो एसीटेट प्लस में कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुआ? सिट्रेट में। फिर सिट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है आगे? सिस एकोनिटेट में। फिर सिस एकोनिटेट किसमें कन्वर्ट होता है आगे? आइसोसिट्रेट में। फिर आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ? अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। फिर स्टेप फाइव में अल्फा कीटो ग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। एंजाइम कौन सा काम में है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। और स्टेप सिक्स में क्या होता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है?
सक्सिनेट के अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, सक्सिनाइल को एंजाइम में सिंथेटिस ब्रेक जीटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या है स्टेप 7, जिसके अंदर क्या होता है कि सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है सीधा फ्यूमरेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इस रिएक्शन से, यानी एक FADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो शुरू से देखिए इसमें क्या है, सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज टू फ्यूमरेट, यानी सक्सिनेट किसमें ऑक्सीडाइज हो गया फ्यूमरेट के अंदर बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इन द प्रोसेस FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2, और इस रिएक्शन के अंदर यानी इस स्टेप के अंदर FAD किसमें कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल कितने ATP देता है 2 ATP। तो स्टेप 7 में क्या होता है इस रूप से देखिए कि सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट के अंदर, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसकी थ्योरी क्या है, सक्सिनेट ऑक्सीडाइज टू फ्यूमरेट, यानी सक्सिनेट का ऑक्सीकरण किसमें हो गया फ्यूमरेट के अंदर बाय द एंजाइम, एंजाइम कौन सा काम में आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। इन द प्रोसेस इस प्रक्रिया में FAD इज कन्वर्टेड टू FADH2, और इस रिएक्शन में एक FADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है बन जाता है। तो शुरू से देखें अपन स्टेप फर्स्ट से, तो क्या है कि ऑक्सैलो एसिटेट और प्लस एसिटाइल को एंजाइम में किसमें कन्वर्ट हुए सिट्रेट के अंदर, सिट्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ आगे सिसएकोनिटेट के अंदर, सिसएकोनिटेट फिर किसमें कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट के अंदर, आइसोसिट्रेट फिर किसमें कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर, एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर आगे आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम के अंदर, एंजाइम कौन सा काम में आता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर जिसके अंदर सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है, और स्टेप 7 के अंदर सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट के अंदर, एंजाइम कौन सा काम में आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है स्टेप 8, जिसके अंदर फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर, एंजाइम कौन सा काम में आता है फ्यूमरेट, इसके अंदर क्या है इन दिस स्टेप फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट, यानी इस प्रक्रिया में क्या है फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट हो गया मेलेट के अंदर, इन दिस रिएक्शन फ्यूमरेज एंजाइम इज यूज, और इस प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम काम में आता है फ्यूमरेज एंजाइम काम में आता है, यानी फ्यूमरेट प्लस H2O किसमें कन्वर्ट हो गए मेलेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम में आया स्टेप 8 के अंदर फ्यूमरेज एंजाइम काम में आया। फिर आती है लास्ट स्टेप स्टेप 9, तो इसके अंदर क्या होता है कि मेलेट प्लस में NAD किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर, और क्रैब्स साइकिल कौन से कंपाउंड के साथ शुरू हुई थी ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, और खत्म भी किसके साथ हो रही है ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, यानी मेलेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, और एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। इन दिस स्टेप मेलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटेट, यानी इस चरण में क्या है मेलेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटेट में। इन दिस रिएक्शन इज मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज, इस प्रक्रिया में एंजाइम कौन सा काम में आता है मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज फॉर्म, और एक मॉलिक्यूल NADH2 का क्या है फॉर्म होता है बन जाता है। फिर क्या है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रैब्स साइकिल, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है कि एंड प्रोडक्ट है किसका क्रैब्स साइकिल का। आपका नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा क्रैब्स ग्लाइकोजेनेसिस के ऊपर, यहां तक आपकी क्रैब्स साइकिल क्या है पूरी हो गई, और ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि जिसके अंदर एक ग्लूकोज का कंपाउंड किसके अंदर कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर, और क्या है ग्लाइकोजन क्या है एक स्टोरेज यूनिट है एनर्जी की, तो इसलिए क्या एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपन स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।